अस्सलाम वालेकुम। आप इंजीनियर्स हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर हैं आप हैं, आपको मुझे नहीं पता कि अभी आपने इंजीनियरिंग कर ली है कंप्लीट, या आप स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट इंजीनियर बन चुके हैं, जॉब मिली है या नहीं मिली, पाकिस्तान में आप जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग की या पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं अभी जवेद कुरैशी साहब, आपको वेलकम करते हैं। आपको हम एक चीज़ बताने लगे हैं, ये बड़े गौर से सुनिएगा, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनको साइड पे करें, आपका जो भी बिलीव है उसको भी साइड पे करें, थोड़े से मिनट दें ताकि हम आपसे एक बात शेयर कर सकें जिससे पता चले कि आप अपने आप को प्रोफेशनली आगे आसमानों की बुलंदियों तक कैसे पहुँचा सकते हैं। बाय द वे आप कह रहे होंगे ये है कौन, मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, आई एम दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अकेडमी। ये अल-शरीफ फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है, वी आर ऑन अ मिशन टू ट्रेन 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। लेकिन इस इंटरव्यू में हम एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं कर रहे, हम आपके इंजीनियर्स को, अगर आप पाकिस्तान से पढ़े हैं, आप समझते हैं मैं यूईटी से पढ़ा है, टेक्सला से पढ़ा है, एनईटी से पढ़ा है, किसी पाकिस्तान से किसी जगह से भी आपने इंजीनियरिंग की है, डेफिनेटली आपने इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर बने होंगे। तो हम आपको ये करना ये चाहते हैं, एक थोड़े से मोमेंट के बाद आपको डिटेल बताते हैं, आए आपको मिलाते हैं जवेद कुरैशी साहब से जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन हैं। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, जी लोग ये समझते हैं, कुरैशी साहब आप ये बताएं कि जो माशाल्लाह आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं इंजीनियरिंग में या दूसरे बिजनेस में, माशाल्लाह आपके मल्टीपल बिजनेस आपने इंटरव्यू से पहले हमें हिंट दिया है, और आप इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, अब लोग ये समझते हैं जो भी ऊपर आते हैं वो उनको सोने की चिड़िया लेके पैदा हुए होते हैं, उनकी कोई वो स्टोरी आम बंदे से रिलेटिंग कर सकते, जैसे मैं गाँव से हूँ, मेरे पिंड भी कहते हैं बड़े सारे लोग। तो आप ये बताएं कि आप कहाँ पे थे, क्या हुआ, किसने आपको इंस्पायर किया और क्या स्टोरी है आपकी, कहाँ से आप कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सफर है, लेकिन आपने 2 मिनट में बताना, ये साथ टारगेट है ताकि हम इंजीनियर को ये इंस्पायर कर सकें कि नहीं ऐसे नहीं होता, हर हर चीज़ में स्ट्रगल है, ये हिंट है आपको, बताइए। मैं साहिवाल अल्लाह तुलिया वाले से निकला हूँ, एक 5 मंजिल के घर में रहता था, और निकलने के बाद प्राइमरी एजुकेशन कॉलेज से यूनिवर्सिटी लाहौर में पहुँचा, लाहौर में 78 में ग्रेजुएशन की, और फिर आपने मुकद्दर से लड़ने के लिए नेस पार्क ज्वाइन की, और नेस पार्क के बाद वापटा को ज्वाइन किया, लेकिन किस्मत की यावरी किसी और जगह लिखी थी, और मैंने अपने आप को इसलिए अनफिट समझ रहा था कि अखराजात ज़्यादा थे, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था, और वो उसकी सैलरी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। फाइनली आई रिजाइंड एज एन एक्स इन वापटा एंड स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, एंड दैट ओन बिजनेस विद द 3 पार्टनर्स स्टार्टेड विद 2,25,000, दैट इज़ द मेन जिस्ट ऑफ इट। तो उसके बाद हमारा आज वही बिजनेस जो है वो अली अकबर ग्रुप के नाम से, हमारी 2009 में पार्टनरशिप ब्रेक हुई, फिर 4 ब्रदर्स ग्रुप मार्जर वजूद में आया, बिकॉज वी आर 4 ब्रदर्स, और माशाल्लाह वो भी बिलियंस का बिजनेस कर रहे हैं, हमारा अपना बिजनेस भी बिलियंस का है, और ये एक वो सक्सेस स्टोरी है जो कि बेसिक 3 पिलर्स पे खड़ी है, नेक नीति, मेहनत और सच। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप इन तीनों में से किसी पिलर को निकाल लें, नेक नीति को निकाल लें, मेहनत और सच के साथ काम करें, नीयत नेक ना हो कारोबार नहीं चलता, नेक नीति और मेहनत करें, सच ना बोलें तब भी नहीं चलता, नेक नीति और सच को ले लें इंशाल्लाह कहते रहें और मेहनत ना करें फिर भी कारोबार नहीं चलता। तो सो ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक तीनों चीज़ों का इकट्ठा होना जो है ना, ये दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट आके आप आगे बढ़ें, और ये कहना कि जी घर से ये गोल्डन स्पून लेके बच्चा जो पैदा होता है वही आगे निकलता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जिन में मुँह में गोल्डन स्पून होते हैं ना वो एंटरप्रेन्योरली बेसिक होते हैं, वो सिर्फ उसको एनहांसर होते हैं, आपने उस बिज़नेस को एनहांस कर रहे होते हैं। दुनिया के अंदर जितनी सक्सेस स्टोरीज आपको देखेंगे, बेसिक सक्सेस स्टोरी, वो बंदे के खुद अपने आइडिया से इन्वेंट होती है। सो मेरी इंजीनियर्स के लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है कि जितना वक्त आप जॉब तलाश करने में लगा रहे हैं, अगर उतना वक्त आप एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सोचना शुरू करें, और डू नॉट हेजिटेट, मैं ये आपको बताऊं, जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मैंने उस वक्त इनिशियली आप यकीन नहीं करें कि मेरे पास जो गाड़ी होती थी स्विफ्ट गाड़ी होती थी, और वहाँ पे मैं सारे पार्टनर को घरों से लेता था तो उनको अपने दफ्तर में लेके जाता हूँ। सो दिस इज द स्टोरी कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। तो ये तमाम इंजीनियर्स के लिए इट्स ए ग्रेट मैसेज फॉर देम, और आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का माशाल्लाह चेयरमैन हूँ, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो तमाम पाकिस्तान इंजीनियर्स को, इंजीनियरिंग कंसर्न को रिप्रेजेंट करती है, और दिस इज ऑल अल्लाह ब्लेसिंग, और वो जो 3 बेसिक पिलर है
उसी के ऊपर ये इमारत खड़ी है. आप भी आगे बढ़े, आप भी जावेद कुरैशी बन सकते हैं और यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड बिकम द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एज वेल. कम फॉरवर्ड, डू द थिंग्स, कंकर दिस वर्ल्ड, इट्स वेटिंग फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. आपसे बहुत शुक्रिया, आपने वेरी वेल सेड, आपने ये शेयर किया. जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है. जो पाकिस्तान में एक इंजीनियर है और पाकिस्तान से बाहर के अमेरिका, कनाडा, यूएसए एंड ये इसमें यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और डेवलप्ड कंट्रीज में अगर एक इंजीनियर पाकिस्तान का 10 इंजीनियर से कनेक्ट कर ले, आपको ये भी बता देंगे कनेक्ट कैसे करते हैं, जिसको आप नहीं जानते उसे बात कैसे करते हैं, उसको आप क्या लिख के देंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. दूसरी तरफ से हम उन इंजीनियर को कहेंगे कि आप कैन यू डोनेट 50 मिनट्स ऑफ योर टाइम वंस अ मंथ अंडर डेवलपिंग कंट्री टू वन इंजीनियर सो to impact on their life, to create impact on their life. Let me tell you the secret. They gave one, so far they gave 100% yes. I'm not asking for money from them. I'm asking on your behalf ke aap 15 minute mahine mein ek donate kare ek engineer ke liye jisse unki life mein impact ho. Aap imagine kare ki Pakistani engineer beshak aap student hain ya aap student se baat job kar rahe hain ya job dhoond rahe hain, koi baat nahi. Aap ek bahar ke engineer ke sath apne profession mein, apne field mein कनेक्ट करें. आप 10 इंजीनियर से 15 मिनट महीने में बात करें, आपकी मर्जी है, दो से बात करनी है, पांच से करनी है, 10 से वैरायटी आ जाती है. सो यू कैन डिस्कस योर चैलेंजेस कि अपने आप को प्रोफेशन इनहांस कैसे करना है. तो कुरैशी साहब ने एक सेकंड ही लगाया यस करने में, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, वो आपके लिए किया. अब आपका काम है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते. ये प्रोजेक्ट हम वेरी सून, आई डोंट वांट टू गिव द डेट हियर बिकॉज द डेट विल बी अनाउंस्ड इन द अंडर द वीडियो एंड द लिंक. तो इसको हम अभी लॉन्च करने लगे हैं. इसमें हमें आपकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है. अभी मैं कुरैशी साहब से पूछता हूँ कि वो आपको कैसे कन्विंस करते हैं, फोर्स करते हैं या कैसे भी करते हैं. चूंकि आप इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबर हैं तो आपको कुरैशी साहब से आपको मैसेज मिलेगा. आप मैसेज क्या होगा, आप कैसे क्यों कन्विंस कर रहे हैं इनको कि ये ज्वाइन करें ताकि हम ग्रो कर सकें. व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस? देखिए साहब, इज अ वंडरफुल पर्सन बेस्ड इन अमेरिका. ये मेरी इनसे मुलाकात हुई, ये ऑलरेडी चैरिटी वर्क करते हैं सारे के सारे. और मैंने इन्हें यही प्रॉब्लम किया कि पाकिस्तान के इंजीनियर जॉबलेस हैं तो आप इनको प्रमोट करें इन अब्रॉड, ताकि ये एक हमारी सोसाइटी के लिए, दूसरी सोसाइटी के लिए एक वंडरफुल आदमी बन सके. तो देन ही मेड डिस्कस मैनी ऑप्शंस विद मी एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ गोइंग टू लिंक पाकिस्तानी इंजीनियर विद द 10 इंजीनियर्स अब्रॉड इन डिफरेंट कंट्रीज. एंड देन ही विल टॉच यू द वे हाउ यू हैव टू टॉक विद देम, हाउ यू हैव टू डिस्कस द इशूज विद देम. This is very, very important because you are talking, your message should be so convinced that you should get a job, and that is all free of cost. And then since he doing a charity, wanted to increase this charity onwards, he requested me that whenever a person gets a job, then afterward he must donate charity. I said, of course, Pakistan is a country where the charity is the highest in the world. So if you are supporting someone, then that one also supporting the coming generation. So get job, inshallah, when we conclude all these things, you will get a job. And then do remember to the two your predecessors who have not got the job. For their work, Mr. Siddiqui is here with us, and he will keep on working for the Pakistani Society of Engineers to bring it on the higher pedestal of economy. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Qureshi Sahib, sharing your wisdom with us today on the behalf of Pakistani Social Entrepreneurship Academy, a project of Al-Sharif Foundation and its entire community. We really appreciate you. This is Mohammed Siddiq signing off from Islamabad, wishing you good luck, good sales, and I do hope our path crosses again our next amazing guest. Until then, Allah Hafiz. Thank you. Thank you.